देखिए, अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट, किसी मॉल, तो वहाँ पे जाने की कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं कि क्या हम लोग कोई हथियार लेके नहीं जा सकते, या फिर हम लोग वहाँ पे किसी से मिसबिहेव नहीं कर सकते, कोई सामान चुरा के नहीं ला सकते, नहीं तो तुरंत जो उनके कैमराज होते हैं वो उनको पकड़ लेते हैं और हमको बाहर कर दिया जाता है या फिर कार्रवाई हो जाती है। इसी तरीके से जब हम लोग सिस्टम या किसी कंप्यूटर सिस्टम या किसी नेटवर्क में एंटर कर रहे होते हैं, तो उसके भी कुछ सिक्योरिटी रूल्स होते हैं जिनको अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है और हम लोग को सस्पिशियस मान के ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो उनको पकड़ने के लिए होता है फायरवॉल। फायरवॉल में कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं, या कुछ ऐसी वॉल ऑफ कोड होती हैं जो कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़, जो चीज़ आपको नहीं करनी है, उन सब चीज़ों को डिटरमाइन करके रखती है। अगर आप उसके विपरीत जाते हैं तो आपको या तो एक्सेस ही नहीं मिलेगा, नहीं तो आपका एक्सेस ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम लोग फायरवॉल और फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इसके फायरवॉल में क्या आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल, फ्रेजेस, पोर्ट, डोमेन नेम, ये सब क्या होता है, साथ ही साथ किस तरीके से काम करता है, कितने तरह के फायरवॉल होते हैं, और फायरवॉल को यूज़ करने का डिसएडवांटेज भी क्या होता है, क्योंकि डिसएडवांटेज इसका मेन है। ये सब हम लोग कवर कर लेंगे 5 से 6 मिनट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं फायरवॉल। देखिए, सबसे पहला है सम सिक्योरिटी रूल्स बाय विच सिस्टम मॉनिटर द इनकमिंग एंड आउट गोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। मतलब कुछ ऐसे सिस्टम रूल्स होते हैं जिनके ही हिसाब से कोई भी चीज़ अंदर आती है नेटवर्क के और बाहर जाती है। अब ये इंटरनेट है, ये फायरवॉल के कुछ कंडीशंस हैं, ये हमारा जो भी प्रेजेंट है ऑफिस नेटवर्क या होम नेटवर्क जो भी प्रेजेंट है, इसको हम लोग लिख देते हैं होम या फिर ऑफिस नेटवर्क। इसके बीच में राउटर नेटवर्क बेस स्टेशन बना हुआ है। तो कुछ भी इंटरनेट से आएगा, मॉडम से या केबल से, तो उसको सबसे पहले फायरवॉल से गुजरना पड़ेगा। क्या जो भी चीज़ वो करने आ रहा है, क्या ये हमारे सिस्टम के लिए ऑथराइज्ड है, तभी वो एंटर करेगा, वरना वो एंटर नहीं करेगा। तो अब क्या क्या फायरवॉल होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला होता है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा अगर हमारा आ रहा होता है तो वो हमेशा पैकेट की फॉर्म में आता है। अब पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो होता है, ये हमेशा पैकेट्स को मेजर करता है, मतलब पैकेट्स को देखता है ये कहाँ से आए हैं, पैकेट भेजने वाले का सोर्स क्या है, पैकेट का नंबर क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, साथ ही साथ डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, इन सब चीज़ को आइडेंटिफाई करता है। अगर ये सब चीज़ें सही होती हैं, रूल्स के हिसाब से फिट बैठती हैं, तो ही पैकेट अंदर जा पाता है। दूसरा होता है सर्किट लेवल गेटवे। सर्किट लेवल गेटवे ये टीसीपी हैंडशेक को देखता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अगर मैच कर रहा होता है तो ये जान देता है, इसको पैकेट से कोई मतलब नहीं है। तीसरा होता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। ये फायरवॉल जो होता है ये दोनों चीज़ों को देखता है, मतलब पैकेट्स को भी देखता है कि उनका सोर्स नंबर, डेस्टिनेशन कोड सब कुछ ठीक है कि नहीं, और साथ ही साथ टीसीपी हैंडशेक को भी चेक करता है, अगर वो भी मिल रही होती है तो ही ये आगे जाने देता है। चौथा होता है एप्लीकेशन लेवल गेटवे। ये एप्लीकेशन लेवल को देखता है, मतलब आपका जो पैकेट आ रहा है उसमें कितना पेलोड है, वो कितना सामान लेके आ रहा है, क्या इतना सामान लाना या इतनी इन्फॉर्मेशन लाना या जिस तरह की इन्फॉर्मेशन लाया है उस तरह की इन्फॉर्मेशन लाना क्या ऑथराइज्ड है। अगर ये चीज़ ऑथराइज्ड होती है तो आगे एक्सेस मिलता है, नहीं तो एक्सेस ब्लॉक कर दिया जाता है। पांचवा होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ये हमेशा आगे आने वाले टाइम के लिए रखा जाता है कि आगे जो टाइम आ रहा है उसमें कैसा फायरवॉल हो सकता है, जिसमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, डीप पैकेट इंस्पेक्शन की अंदर तक देखेंगे, टीसीपी हैंडशेक चेक करना, सरफेस लेवल का इंस्पेक्शन करना, ये सब चीज़ें कॉमन है, बाकी और भी चीज़ें नहीं ऐड की जाती हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन फायरवॉल को यूज़ करने का डिसएडवांटेज भी बहुत बड़ा है, जिसमें सबसे पहला आता है अगर फायरवॉल सही तरीके से यूज़ नहीं हुआ तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि ये नेटवर्क को अटैक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर कोई अटैक करके आ रहा है और उसने मैनिपुलेट कर दिया फायरवॉल को, तो जो फायरवॉल है वो आपको अटैक से नहीं बचा पाएगा। साथ ही साथ अगर कोई यूएसबी से पीसी में वायरस, मैलवेयर, ट्रोजन हॉर्स या फिर कुछ भी लेके आता है हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी से, तो ये उसको भी नहीं रोक पाएगा, वायरस आपके सिस्टम में इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नेटवर्क के लिए मेन प्रोटोकॉल है। तीसरी चीज,
बैक डोर अटैक से आपको ये नहीं बचा सकता अगर कोई पीछे से ही आपके सिस्टम में अटैक कर रहा है तो अनऑथराइज तरीके से। एक विंडो फायरवॉल डिजाइन होता है चीजों को ब्लॉक करने के लिए कि आपके में सस्पिशियस एक्टिविटी आए तो, लेकिन हो सकता है आप सही चीज मैसेज कन्वे कर रहे हो या सही चीज लेके जा रहे हो लेकिन फायरवॉल उसको सस्पिशियस मान ले तो वो उस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी आगे नहीं जाने देगा। ये इसका एक और बड़ा डिसएडवांटेज होता है। अब फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम लोग जानते हैं। सबसे पहला होता है आपका आईपी एड्रेस। देखिए आईपी एड्रेस हमेशा दिया जाता है एक तरीके से जिससे हम लोग लॉगिन करते हैं। जैसे अगर आपको कोई वेबसाइट है www.workstation.com तो हो सकता है इसकी आईपी एड्रेस हो 216.25.59.11, ये जो है इसका आईपी एड्रेस है। तो आप इस आईपी एड्रेस से यहीं पे पहुंचेंगे लेकिन क्या है मुश्किल होता है आईपी एड्रेस को कई बार याद करना, तो हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से याद रखते हैं। और ये जो नेम प्रोवाइड होता है ये होता है डोमेन नेम, और ये जो होता है ये होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो होता है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है क्योंकि जब आप नेटवर्क चेंज करेंगे अपना इंटरनेट सर्विस चेंज करेंगे तो आपका आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, और कंपनी कई वेबसाइट्स का आईपी एड्रेस टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है अगर कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है दूसरे आईपी एड्रेस से। तो तीसरी चीज आती है प्रोटोकॉल। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं फायरवॉल के जिसके उसको फॉलो करने होते हैं और उन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ही बात करता है, जिसमें प्रोटोकॉल में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईपी की। जो आईपी होता है ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि मैसेज की डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है। दूसरा होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि आपकी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए यूज होता है। तीसरा होता है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इमेज ऑडियो वीडियोस को फाइल को ट्रांसफर करने के लिए अपलोड करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए होता है। चौथा होता है UDP यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, ये ऑडियो और वीडियो को स्ट्रीम करने के लिए यूज होता है। पांचवा होता है ICMP। ICMP क्या होता है, ये होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। जो भी राउटर मतलब एक राउटर अगर दूसरे राउटर से बात करना चाहता है तो उनका मैसेज कन्वे कराने के लिए ICMP जो होता है मदद करता है। उसके बाद होता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप जब किसी को ईमेल भेजते हैं टेक्स्ट बेस्ड पे तो उन चीजों को कन्वे कराने का काम किसका होता है SMTP का। फिर आता है टेलनेट, ये रिमोट कंप्यूटर पे अपनी चीजों को परफॉर्म करता है, जो भी ऑपरेशंस आप उसको देते हैं उसको परफॉर्म करता है। ये होते हैं आपके कुछ प्रोटोकॉल्स। अब बात करते हैं चौथी चीज की जो होते हैं पोर्ट। पोर्ट क्या होता है, हर चीज जो भी कंप्यूटर सिस्टम में है उसको एक जगह प्रोवाइड की गई है जिस पे आप काम करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए सर्वर पे दो प्रोटोकॉल काम करने वाले हैं, एक काम करने वाला है HTTP एक काम करने वाला है FTP। तो HTTP को पोर्ट नंबर 80 अलॉट कर दिया गया है और FTP को पोर्ट नंबर 21। तो जब इनका पोर्ट नंबर यूज किया जाएगा तभी ये काम करेंगे उस स्पेसिफिक सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लीजिए किसी कंपनी ने पोर्ट 21 को ब्लॉक कर दिया तो FTP काम ही नहीं करेगा। उसके बाद पांचवी चीज जो आती है वो आती है स्पेसिफिक वर्ड एंड फ्रेजेस। फायरवॉल जो होता है वो कुछ ऐसे वर्ड्स ऐसे फ्रेजेस को रखता है जिनको ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर आप उससे रिलेटेड कोई चीज पोस्ट करते हैं, ईमेल करते हैं या उसको साथ में मैसेज में कन्वे करके लेके आते हैं तो ये उसको भी ब्लॉक कर देता है। जैसे मान लीजिए आपने टैटू वर्ड है, फायरवॉल में ये टैटू वर्ड जो है ब्लॉक कर दिया गया। अगर आप यहाँ पे कोई चीज मैसेज लेके जा रहे हैं आई मेड अ टैटू या कुछ भी ऐसे लिख के ले जा रहे हैं तो टैटू वर्ड को जैसे ही वो आइडेंटिफाई करेगा वो देखेगा हाँ ये वर्ड जो है ये पॉलिसी के खिलाफ है और इसको बंद कर देगा। ये फायरवॉल का मेन काम होता है, ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम होता है जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKANT 360। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों शेयर कर दीजिएगा।